तो गाइस कैसे हो आप सब। आज हम आए हुए हैं पीसी बिल्ड करवाने के लिए, तो पूरी वीडियो में जुड़े रहें और देखते रहें हम कैसे पीसी बनवाते हैं। ये पूरी नेहरू प्लेस मार्केट है कालका जी के पास। ये पूरी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, यहाँ पर सारा इलेक्ट्रॉनिक का सामान मिलता है। एक से एक सारा इलेक्ट्रॉनिक का सामान, मतलब यहाँ पे होल सेल रेट में है, मतलब दुकान के सामान में और यहाँ के सामान में बहुत फ़र्क है। मतलब जितने भी लोगों को यहाँ पे पीसी वगैरह बिल्ड करवाना होता है, लैपटॉप वगैरह लेना होता है, तो सब यहीं से लेते हैं। ये रिपेयरिंग शॉप भी है यहाँ पे सारी। तो हम भी नेहरू प्लेस में अपना पीसी बिल्ड करवाने के लिए आए हुए हैं। ओशियन ऑफ वर्ल्ड नाम से शॉप है भैया की नेहरू प्लेस के अंदर। तो यहाँ पर हम अपना पीसी बिल्ड करवाने के लिए आए हुए हैं। अभी हमने ऑर्डर वगैरह दे दिया है क्या हमें सामान चाहिए, तो बस वो भैया अभी निकलवा रहे हैं सामान, फिर हम आपको दिखा दें कि क्या पीसी बनवाते हैं हम, कैसे कैसे होता है। और गाइस हमने ये वाला कैबिनेट लिया है एनटेक का, ब्लैक कलर में। वाइट मैंने लिया नहीं क्योंकि वाइट गंदा ज़्यादा जल्दी होता है, तो इस वजह से मैंने ब्लैक लिया है कलर। ये जो आप सामने पीछे देख रहे हो, बताओ कितने का होगा, कमेंट करके बताओ मुझे। ये पावर सप्लाई भाई 650 वाट। ये हमने गीगाबाइट का पावर सप्लाई लिया है 650 वाट का, जो भैया लगा रहे हैं अभी। क्या बोलते हैं भाई इसे, क्या कहते हैं, मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड है 20 GB का। तो ये हम इसमें बिल्ड करवा रहे हैं। ये क्या चीज़ है भाई, रैम। हाँ। हमने पीसी के अंदर टोटल 32 GB रैम लगवाई है, 16 GB की दो DDR5 ट्राइडेंट जेड नियो। ये है लिक्विड कूलर। ये हमारा CPU कूलर लग के तैयार हो चुका है एकदम बढ़िया तरीके से। ये 8 GB कूलर है, 8 GB वाला लगवाया है हमने। मगर ऐसा कुछ नहीं है, और ठग के जाते हैं कपड़े खरीद के यहाँ से। अरे पूरा कपड़ा नीचे बेचते हैं, लोग आ जाते हैं कपड़े लेने। मगर ये भाई बता रहे हैं कि नेहरू प्लेस में लोग सोचते हैं कि सस्ते कपड़े मिलते हैं नीचे की तरफ जो मार्केट होती है, पर उन्हें ये नहीं पता कि वहाँ बहुत महंगे मिलते हैं इनके हिसाब से जो भैया बता रहे हैं। हमें तो पता नहीं, अब हमने लिए नहीं कपड़े यहाँ से कभी। अब हमारा लिक्विड कूलर एकदम बढ़िया तरीके से फिक्स हो चुका है CPU के अंदर। ये भाई अब वायरिंग वगैरह कर रहे हैं CPU की, सारे वायरिंग वगैरह कर रहे हैं कि कौन सी वायरिंग कहाँ जाएगी सब कुछ। कोई भी चीज खराब होती
नमी सूखेगा ना। ठीक है भाई, ये ग्राफिक कार्ड है कौन सा, AMD Radeon RX 6750 XT। तो गाइस हमारा कैबिनेट बनके रेडी हो चुका है CPU। तो मैंने इसके अंदर जो जो सामान डलवाया है वो सारा मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, मैंने क्या क्या करवाया है इसमें, क्या क्या डलवाया है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो देखने में। ये मॉनिटर एसर का 27 इंच, ठीक है। तो गाइज मैं वहाँ से पीसी बिल्ड करवा के आ गया था और हमने घर पे सेटअप कर लिया पीसी का। तो ये सेटअप करने के बाद ऐसा लगता है देखो, और ये साइड में लैंप है ठीक है, और ये पूरा कीबोर्ड ये है, माउस ये, बाकी अंदर ये देखो। तो बताना गाइस कमेंट में कि आप लोगों को कैसा लगा ये गेमिंग पीसी, मेरा गेमिंग पीसी क्या पीसी सेटअप है। ये रही हमारी गाड़ी, मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। ये हमारा प्लेयर उतर गया, मस्त है, स्टाइल में उतरते हैं ऐसे थोड़ी। ये देखो कैसे ग्राफिक्स आ रहे हैं, आपको अच्छे से दिख रहे होंगे शायद, ये कितनी क्लैरिटी है देखो। हट ये दे भाई, चल अबे यार इससे पीछे से ज़्यादा बढ़िया गाड़ी थी, चढ़ा दे इस पर गाड़ी। अब हम दिखाते एक चीज़, अरे यार ठुक गई, हट जाओ।